गुलाब जामुन बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो आइए वीडियो में सिखाते हैं कैसे बनाते हैं बढ़िया गुलाब जामुन। जिसके लिए आपको पहले चाहिए होगा सूजी 1.5 टेबल स्पून, वाटर 1.5 टेबल स्पून। आप इसको मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। फिर आप लेंगे पाउडर्ड मिल्क 1 कप, फिर आप मैदा लेंगे 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून, घी लेंगे 1 टेबल स्पून। अब आप सूजी का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे तो ये आटा टाइप हो जाएगा। आप 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे ऐसे छोटी छोटी, और हम एक अपम पैन लेंगे जिसमें हम घी डालेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ये सारी बॉल्स डालेंगे, उसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर हम इस पर बार बार बॉल्स घुमाना शुरू कर देंगे, यानी कि गुलाब जामुन की बॉल्स। आप कुछ और ना सोचिए, तो उसको आप घुमाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आप जितना पानी लेंगे उतनी ही आपको चीनी डालनी है, तो अगर आप 2 कप पानी ले रहे तो 2 कप चीनी। फिर आप उसमें सैफरन डालिए और इन गुलाब जामुन को इसमें डिप कर दीजिए और 10 मिनट के लिए सिम पे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको इसको 2 घंटे के लिए मिनिमम इसके अंदर ही रहने देना है, और गैस ऑफ होनी चाहिए उस समय। प्लीज़ मेरे गुलाब जामुन की शेप में मत जाना, क्योंकि इनकी शेप बेरी जैसी है, बहुत ही मोटी। एनीवेज, एंजॉय गाइस। और अगली ये रेसिपी में ये बताऊंगा ये क्या है।